उत्तराखंड की नाकाम नाकारा अक्षम सरकार अब क्या करने जा रही है, एक एग्जाम करवाने जा रहा है उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग, और जो कंपनी इस एग्जाम को कराएगी उस कंपनी का नाम है NSEIT। ये कंपनी एग्जाम करवाती है। उत्तर प्रदेश में 2017 में ब्लैकलिस्ट हो गई, मध्य प्रदेश में अभी 10 दिन पहले ब्लैकलिस्ट कर दी गई, और वहां के 3 एग्जाम्स जो इन्होंने करवाए थे उनको कैंसिल कर दिया गया। अब उत्तराखंड में बेरोजगार संघ ने जब आवाज उठाई तो अधीनस्थ सेवा आयोग के सचिव संतोष बडूनी जी ने इनको एक नोटिस थमा दिया। बेरोजगार संघ जाकर मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एक इंक्वायरी करवाई जाएगी NSEIT के विरुद्ध। उनको इसके बाबत एक पत्र भी दिया बेरोजगार संघ ने। अब उसमें क्या कार्यवाही है ये तो पता नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है कि 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड में एक एग्जाम करवाया जा रहा है UKSSC यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा और इसी कंपनी के द्वारा। अगर मुख्यमंत्री जी आपने आदेश दिया है इंक्वायरी का सचमुच में, तो ये एग्जाम कैसे हो रहा है? जब तक इंक्वायरी है तब तक एग्जाम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने इंक्वायरी नहीं करवाने का मन बना लिया, कोई आदेश नहीं दिया, तो बताएं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है आपकी, और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, और दोनों सरकारों ने NSEIT को ब्लैकलिस्ट किया, और हमारे यहाँ एग्जाम खिलवाड़ कर रहे हैं आप, रोजगार दे नहीं सकते, रोज घोषणाएं करते हैं घोषणावीर की तरह, मगर आप बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके लिए उत्तराखंड आपको कभी माफ नहीं करेगा, और उत्तराखंड की मातृशक्ति तो आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी।